गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। टुडे आई एम टीचिंग योर फर्स्ट पोयम द फाउंटेन। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 में पोएट्री का पहला लेसन द फाउंटेन शुरू हो रहा है। फाउंटेन मतलब फव्वारा, झरना। देखिए, इन दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय जेम्स रूसेल लोवेल। यह कविता जेम्स रूसेल लोवेल के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन। इस कविता में कवि जो है वह फाउंटेन के गुणों का वर्णन करता है। द फाउंटेन गोज ऑन रशिंग अप इन स्प्रे। फव्वारा जो है वह तेजी से ऊपर की ओर गति करता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल बोथ बाय नाइट एंड बाय डे। यह दिन और रात दोनों में समान स्थिति में रहता है और सुंदर दिखाई देता है। इट इज ग्लैड इन ऑल वेदर्स। यह सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। द पोएट वांट्स टू टीच अस दैट वी शुड ऑलवेज कीप फ्रेश एंड इंस्पायर फॉर हायर थिंग्स। कवि हमें यह इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है कि हमें हमेशा ताज़ा रहना चाहिए और हमेशा ऊंची वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब वी शुड ट्राई टू हाई पोस्ट। हमें ऊंचे स्थानों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एट वी शुड बी स्टडी एंड कंटेंट। भले ही हम स्थिर रहें और संतुष्ट रहें। ठीक, आगे देखिए। इन टू दनसाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कल कहता है कि इन टू दनसाइन फुल ऑफ द लाइट। सनसाइन मतलब धूप में, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से परिपूर्ण। जब दिन में सूर्य निकलता है तो पूरा दिन क्या रहता है, प्रकाश से परिपूर्ण रहता है। इन टू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कल कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में परिपूर्ण होने पर लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यह सुबह से लेकर रात तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। अर्थात फव्वारा जो है पूरे दिन सूर्य के प्रकाश में सुबह से लेकर रात तक चमकता रहता है और उछलता रहता है। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग फ्लावर लाइट देन बिगिन टू ग्लो। कवि कहता है कि इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइट व्हेन द विंड्स ब्लो। वेविंग सो फ्लावर लाइट, वेविंग मतलब हिलते हुए। वेविंग सो फ्लावर लाइट, फ्लावर लाइट मतलब फूल की तरह। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हुआ बहुत। कवि कहता है कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफ़ेद रहता है और यह हवा के बहने पर फूल की तरह हिलता रहता है। इन टू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाई डे। इन टू द स्टार लाइट तारों के प्रकाश में रशिंग इन स्प्रे तेजी से गति करते हुए हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाई डे। हैप्पी एट मिड नाइट यह मध्य रात्रि में हैप्पी बाई डे और पूरे दिन प्रसन्न रहता है। कवि कहता है कि फव्वारा तारों के प्रकाश में रशिंग इन स्प्रे तेजी से गति करता है। हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाई डे यह मध्य रात्रि में और पूरे दिन प्रसन्न रहता है। मतलब इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ फाउंटेन इन डिफरेंट वेदर्स। हर एक मौसम में कवि जो है वह फव्वारा के गुणों का अलग अलग वर्णन करता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में कैसे रहता है, चंद्रमा के प्रकाश में कैसे रहता है और तारों के प्रकाश में कैसे रहता है। इवन इन मोशन ब्लॉसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वियरी। इवन इन मोशन, मोशन माने गत, इवन माने हमेशा, इवन इन मोशन हमेशा गत में रहते हुए ब्लॉसम एंड चेरी यह प्रसन्न और आनंदित रहता है।
आनंदित रहता है। अपवर्ड स्टील क्लाइमिंग हेवन वर्ड नेवर ए वेरी स्टील क्लाइमिंग हेवन वर्ड। हेवन वर्ड मतलब आकाश की ओर, वर्ड समय में हमेशा ऊपर की ओर गति करते हुए, हमेशा आसमान की ओर गति करते हुए, हमेशा ऊंचाई को चढ़ते हुए भी नेवर ए वेरिया कभी थकान महसूस नहीं करता है। वेरी मतलब थकान, मतलब कभी यह बताना चाहता है कि फवारा जो है हमेशा गति करता रहता है, निरंतर गति करता रहता है, तब भी यह निरंतर गति करते हुए भी यह हमेशा आनंदित रहता है, प्रसन्नचित रहता है। स्टील क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर ए वेरी, यह हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, ऊपर की ओर गति करता रहता है, अर्थात ऊंचाई पर पहुँचता रहता है, फिर भी कभी हम थकान महसूस नहीं करता है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड माने प्रसन्न, ऑल माने सभी, वेदर्स मीन्स मौसमों में। स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डाइवर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। सभी मौसमों में फव्वारा जो है वह सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और फिर भी यह हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेक्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड चाहे ऊपर की ओर गति करना हो चाहे नीचे की ओर गति करना हो, मोशन डायरेक्ट गति ही इसका आराम है, अर्थात सदैव फव्वारा गतिमान रहता है। फिर भी परंतु जलप्रपात की तरह जो सदैव चलता रहता है लेकिन विश्राम की दशा में प्रतीत होता है, एक समान रूप बनाए रहता है। मीन्स द फाउंटेन ऑलवेज इन मोशन बट कीपिंग द सेम अपीयरेंस लाइक ए वाटरफॉल, फव्वारा जो है वह झरने की तरह हमेशा चलता रहता है, कभी थकान महसूस नहीं करता है। अब मोशन डायरेक्ट गति ही इसका आराम है, अर्थात फव्वारा जो है वह गति करते हुए ही आराम कर लेता है। फूल ऑफ नेचर, फूल ऑफ नेचर मतलब प्रकृति से परिपूर्ण, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों से, प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण होते हुए, नथिंग कैन टेक, इसे कोई रोक नहीं सकता है, मतलब इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो फव्वारे को गति करने से रोक ले। इसीलिए कवि ने लिखा कि फूल ऑफ नेचर प्रकृति से परिपूर्ण होते हुए भी नथिंग कैन टेक, इसे कोई रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम, यह प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, इवर द सेम फिर भी एक जैसा रहता है। फूल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेक चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम, फूल ऑफ नेचर प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण, प्राकृतिक शक्तियों से परिपूर्ण होने पर नथिंग कैन टेक, इसे कोई रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, और यह मोमेंट क्षण प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, इवर द सेम अर्थात प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते हुए भी यह हमेशा एक जैसे रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊपर की ओर गति करे चाहे नीचे की ओर गति करे, और वह अपने निरंतर प्रवाह से चलता रहता है और हर समय स्थिर प्रतीत होता है, मतलब गतिमान धारा हर समय स्थिर प्रतीत होती है। ठीक, फिर सीजलेस स्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, तो सीजलेस स्पायरिंग निरंतर गति करते हुए, निरंतर ऊपर की ओर बढ़ते हुए, हमेशा ऊपर की ओर उठते जाना जिसका गुण हो, सीजलेस कंटेंट और निरंतर संतुष्टि का अनुभव करता हो, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, फव्वारे के लिए इसमें कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात फव्वारा सुबह से उछलते तथा सुबह से रात तक उछलते और चलते रहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, सीजलेस स्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, कल कहता है कि फव्वारा निरंतर ऊपर की ही ओर गति करता रहता है, निरंतर ऊपर की ही ओर उठता रहता है, सीजलेस कंटेंट और निरंतर संतुष्टि का अनुभव करता रहता है, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे अंधकार हो अथवा प्रकाश हो, यह हमेशा गति करता रहता है, अर्थात अंधकार और प्रकाश ही इसके तत्व हैं।
और इसके लिए अंधकार और प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता है और फव्वारा सुबह से रात तक उछलते तथा चमकते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है लास्ट वाला, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अप वर्ड लाइक दी। कभी कहता है, कभी कल्पना करता है कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस मतलब शानदार, फाउंटेन माने फव्वारा, हे शानदार फव्वारे लेट माय हार्ट बी, मेरा हृदय भी तुम्हारे जैसा हो जाए। किस तरह से हो जाए? फ्रेश ताज़ा हो जाए, चेंजफुल परिवर्तनशील हो जाए, कांस्टेंट स्थिर हो जाए, अप वर्ल्ड लाइक दी अर्थात तुम्हारे जैसा ऊपर गत करने वाला हो जाए। तो कब यह कल्पना करता है और सोचता है कि हे शानदार फव्वारे मेरा हृदय भी तुम्हारे जैसा ताज़ा और परिवर्तनशील हो जाए, अर्थात कब कल्पना करता है कि मैं भी सदैव ताज़ा तथा परिवर्तनशील रहूं और फिर भी स्थिर रहूं। दिया है ना कि लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी अर्थात तुम्हारे जैसा स्थिर रहूं और मैं सदैव ऊंची चीज़ों को देखता रहूं। अर्थात कभी की मात्र इच्छा यह है कि वह फव्वारे के उदाहरण का अनुसरण करता है, अर्थात वो निरंतर ऊंची चीज़ों का स्पर्श करने की इच्छा करे, अर्थात हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास करता रहे। इस तरह से कभी कल्पना करता है उसका हृदय फव्वारे के गुणों की तरह हो जाए। कैसा हो जाए? फव्वारा गुण क्या है? फ्रेश ताज़ा चेंजफुल परिवर्तनशील कांस्टेंट स्थिर और अपवर्ड लाइक, अर्थात ऊंची वस्तुओं को प्राप्त करने का, ऊंची वस्तुओं के छूने का प्रयास करता रहे। प्यारे बच्चों, यह पोयम यहीं समाप्त हो जाती है। इसमें से आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आती है और पैसेज दिए रहेंगे, उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक, 8 नंबर का पैसेज वाला क्वेश्चन आता है और 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया आती है। कल आप लोगों को सप्लीमेंट्री का पहला लेसन एडिशन वाला पढ़ाया जाएगा, द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस।